वेलकम बैक गाइस, एक अलग वीडियो में हम जस्ट इस टाइम आ चुके हैं लखनऊ में, और लखनऊ में इस वक्त मैं खड़ा हूँ लखनऊ के जायके चखने के लिए, लखनऊ के रमज़ान देखने के लिए, लखनऊ की सहरी और इफ्तार। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं इस टाइम जा रहा हूँ दरगाह हजरत वारिस पाक होली। जस्ट लास्ट तक बने रहिए वीडियो को, अभी से ही लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। तो पहुँचते हैं हजरत वारिस पाक की दरगाह पे, देन उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। अब तक बने रहिए मेरे साथ। प्लानिंग हो गई थी लखनऊ के लिए, तो हम लोग लखनऊ इस टाइम पे आ चुके हैं। रात के बज रहे हैं 12:30 और आज हम सहरी करने वाले हैं और टेस्ट करने वाले हैं निहारी, कुलचा निहारी मुबीन की। यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे चिकन और बहुत सारी मुख्तलिफ आइटम, जिसमें कश्मीरी चाय जो है वो भी साबिर भाई की बहुत फेमस है। तो बस हम अकबरी गेट निकल रहे हैं नखासे में जाके, बहुत फेमस है नखासा मार्केट इनकी लखनऊ की, और उसी में है अकबरी गेट जहाँ पर ये अब थी, और बहुत लजीज जो है ना खाने वहाँ पर अवेलेबल है। तो आज हम वहाँ ही टेस्ट करेंगे। 12:30 हो गए हैं, निकलते हैं वहाँ पहुँचते हैं और सोनो जो है ना जायके टेस्ट करते हैं। होटल का रोस्टेड का कोयला, ठीक है भाई, रोस्टेड का कोयला। आपके पास कौन कौन से आइटम रहते हैं? ये क्या है? ये रोस्टेड है। रोस्टेड यार, रोस्टेड में आपके इसमें एक साइड का पोर्शन लग रहा है मुझे, मुझे क्या है ना। अच्छा, और ये ब्लैक पीसेस है, ये चिकन बर्रा है अफगानी, चिकन बर्रा अफगानी। और भाईजान आपके यहाँ पर सबसे जो है फेमस कुलचा निहारी, जब उसी को ट्राई करेंगे। बारहवीं को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुलचा निहारी ट्राई करते हैं। अच्छा उस्ताद, एक बात बताओ, कुलचे में कुछ भरते हो क्या आप अंदर? जी नहीं, कुछ नहीं भरते इसमें, वो रहता घी और दूध। घी और दूध जी। तो नॉर्मल नान में और कुलचे में क्या फर्क है, घी और दूध का ही? जी, इसमें नॉर्मल में ये फर्क है, इसमें इलायची पड़ती है। अच्छा, शक्कर पड़ता है, नमक पड़ता है। अच्छा अच्छा, और इसमें दूध क्या? ये दूध क्यों रखा गया है? दूध क्यों होती है? मेन काम दूध और घी का है, वरना ये खमीरी रोटी हो जाएगी। अगर दूध और घी नहीं होगा, दूध और घी नहीं होगा तो खमीरी रोटी हो जाएगी, रोटी हो जाएगी। अच्छा, मैंने एक चीज़ देख रहा था कि ये दूध जो है आप छिड़क भी रहे थे। जी, तंदूर पे लगा रहे हैं। अच्छा, अगर तंदूर पे लगाएंगे तो मिल जाएगी, दूध नहीं आएगा, सस्तापन नहीं आएगा। अच्छा जी, दूध को लोग जो है नान में पानी मारते हैं, दूध मारते हैं कुलचे में? नान पानी मारते हैं, कुलचे में दूध मारते हैं। अच्छा अच्छा, ये टुकड़ा पर जो होता है उसी से होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ जो है नहारी के साथ कुलचा पसंद करते हैं लोग। बेस्ट है कुलचा ही, मतलब बेस्ट है नहारी के साथ कुलचा ही। हाँ, और शेरमाल जो है वो आपके पसंदीदा के साथ आती है। ये शेरमाल है? ये शेरमाल है, ये परिंदा। अच्छा, इसके अंदर क्या भरा होता है अंदर में? ये मैदा होता है, ये मैदा होता है, ये मैदा ही होता है। अच्छा, ये कुलचा है, ये शेरमाल है? वाह, बहुत बढ़िया। तो ये बैठने के लिए पसंदा, पसंदा ये चिकन पसंद है? बीफ, 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 बीफ पसंद है जी जी। अच्छा, ये भी कुलचे के साथ में? जी जी। एक दो तीन लोग यहाँ पे और दो लोग वहाँ पर। ये इनका सिटिंग एरिया है, यहीं से अपना ऑर्डर देते हैं और मंगवाते हैं निहारी एंड पसंदा। बड़े की बिना
रही है, बकरे की भी है हमारे पास, मटन की भी है और बड़े की भी है। अच्छा, बड़े की भी है जी। तो हम तो जो है नारी बड़े की खाएंगे जी। गोश्त की गोश्त क्या पाएगी? गोश्त की या पाए की, बड़े में भी तो चीज़ें हैं, गोश्त क्या पाए बता भाई, नारी पाए की या गोश्त पाए की नारी, और साथ में उसके दो कुलचे। ओके, और आपका बड़े का जो पसंदा है। ओके ओके, एक हाफ पसंद कितना रहेगा? हमें टेस्ट करना है। ओके सर, हाफ रखिए। ठीक है मालिक, ले आइए आप जी। एक गोश्त नारी जी, जो पाई वाली बताइए। पाई की, पाई की डाल पाई। हमारा ऑर्डर आ गया, ये है मटन का पसंदा, और ये मैं शायद कबाब जैसा लग रहा है, मैं ट्राई करूँगा, अभी मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हमने निहारी नॉर्मल तो काफ़ी खाई है, तो मैंने आज पहली बार पाई की निहारी मंगाई ली है, जिसे हम कुलचे के साथ ट्राई करने वाले हैं। तो पहले मैं निहारी खाऊंगा, और ये रहा करारा सा कुलचा। वाह भाई वाह, सबसे पहले तो माशाल्लाह। इसे जो है आप नॉर्मल भी दूध में डुबो के, खाली पानी के साथ सभी इधर टेस्ट कर सकते हो, बड़ा मज़ेदार है। थोड़ा शोरबा ले नहीं, ये पाई की निहारी जो हम पहली बार ले रहे हैं, तो ये हमारी जो है बोटी है पाई की, इसे ले लेते हैं हम। पहला बाइट बनाते हैं हम। वाह वाह, ओए 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 भाई, लखनऊ ने अपना जलवा दिखाई दिया है। बिल्कुल मुख्तलिफ सी नहारी है, लेकिन इस कुलचे के साथ में इसका जायका ना डबल ट्रिपल हो जा रहा है, दुगना होता जा रहा है। और ये पाई की निहारी भी ना बिल्कुल पाई जैसा ही है, सारा का सारा इसका सिस्टम, बस थोड़ा सा टेस्ट चेंज है, और वो टेस्ट चेंज करने वाला ये कुलचा है। तो इसे हम जो है डुबो डुबो के खा लेंगे। अरे वाह, अरे यार, जब तक मेरी उंगलियां ना भीग जाती हैं नहारी में, मुझे मज़ा नहीं आता। बहुत अलग सा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्के मसाले हैं, और पाया प्लस नारी का मज़ा आ रहा है इस कुलचे के साथ में। मुझे दोनों का मुख्तलिफ जो है ना टेस्ट, एक ही ज़ुबान में बार बार कभी नारी का और कभी पाए का मुझे टच हो रहा है। अब हम दूसरी चीज़ पे आ रहे हैं हमारी। ये नॉर्मल कबाब से है, भाई कमाल ही हो गया। अरे वाह, बहुत सॉफ्ट, जैसे गुलावटी कबाब होते हैं उसी तरीके से सॉफ्ट है ये कीमा, और क्या ही ज़बरदस्त मसाले पड़े हुए हैं इसमें, और पूरी ना भुनी हुई खुशबू आ रही है, बारबेक्यू का जो है ना इसका टेस्ट, पूरा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसके साथ में। इसके लिए तो जो है ना कुलचे की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल बंदा खा सकता है। जैसे आप चिकन का आपने मलाई टिक्का ट्राई किया ना, अचारी टिक्का, सेम इसका वही टेस्ट आ रहा है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं ये बीफ के जो है ना पसंदा खा रहा हूँ। इसे हम फिनिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिलता है हम लोगों को। जो ऑनर है वो मुमीन भाई, चौथी पीढ़ी है यहाँ पे। अच्छा, उनसे हमने बात की तो मालूम ये हुआ कि नॉर्मल डेज पे सुबह 8 बजे से शाम 10 बजे तक 11 बजे तक ये शॉप ओपन रहती है,
और रहीम नहरी कुलचा। दूसरा ये है कि अभी अगर रमज़ान हो रहे हैं तो रात मतलब मगरिब के वक्त से और सुबह सहरी के वक्त तक ये ओपन रहता है। कई सारे आइटम होते हैं जिसमें निहारी जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है। मटन की निहारी भी मिलती है, बीफ की निहारी भी है। बीफ की निहारी दो तरीके की होती है, एक तो आप नॉर्मल बोंग की जो निहारी होती है वो मिल जाएगी आपको, और दूसरी जो है पाई की निहारी। मैंने पाई की निहारी टेस्ट की थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और इनका जो पसंदा है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बीफ पसंदा है उसका टेस्ट है। बाकी चिकन टिक्का, मलाई टिक्का एंड बर्रा, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल रहती है इनके पास में। तो लखनऊ का जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ था लेकिन बहुत ही लजीज था। मानना पड़ेगा कि लखनऊ का जो अवध टेस्ट है ना वो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है नॉर्थ इंडिया में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है और फिर वो टेस्ट करेंगे। तो पेट वैसे भी थोड़ा सा भरने लगा है, वक्त हो चुका है 2 बजने वाले हैं, वक्त हो गया करीब करीब 1:55। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलती है हमारी सहरी। आगे बढ़ते हैं। ये है मोवीन, ये भी लखनऊ की मारूफ और मशरूफ हस्ती है। यहाँ भी ये पाई निकल रहे हैं या निहारी निकल रही है, शायद पाई की निहारी है, पता करते हैं। ये क्या चीज़ है भाई? ये बोटी कबाब है भाई। ये बोटी कबाब है जी भाई। अच्छा, आपके पास नहारी कितने तरीके की है? नहारी है पाए वाली है। अच्छा अच्छा, ये गोश्त वाली है जी, वो मटन निहारी है। अच्छा, वो मटन निहारी है जी जी। बहुत आला, बहुत आला। और चिकन के बारबेक्यू में अपने पास मलाई टिक्का है सर, और रोस्टेड है, बर्रा है, पसंदा है। पसंदा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ा जवाब। ये तैयार हो रहा है बीफ पसंदा, जो कि लेयर पे लेयर चढ़ाई जा रही है और पूरी की पूरी सीख तैयार है। आगे लखनवी ग्रिल से, क्या नाम भाई इनका? मोहम्मद अदनान। अदनान साहब, ये भाई ये चीज, ये आपका मलाई टिक्का है। अच्छा, ये मलाई टिक्का है जी। ये आपका टर्किश कबाब है। ये टर्किश कबाब, ये हमारा स्पेशलिटी है। ओके, तो ये तो चेक करना बनता है। और ये भाई जान, ये हमारा रोस्टेड है। रोस्टेड है जी। तो जरा टर्किश कबाब हमें चेक कराइए, क्योंकि हम लखनऊ में टर्किश कबाब चेक करने वाले हैं लखनवी तहजीब के साथ। ऑल ओवर लखनऊ टर्किश कबाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी है? पूरे लखनऊ में सिर्फ हमारे पास है। सिर्फ आपके पास है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब टेस्ट ज़रूर कराएं टर्किश कबाब। 2 मिनट का हमने टाइम लिया है मोहम्मद अदनान साहब से। ये जो है यहाँ के लखनऊ ग्रिल्स के ऑनर है। तो जस्ट हमने ऑर्डर किया था ये ग्रिल कबाब, तुर्किश ग्रिल कबाब है ना, तुर्किश कबाब है ना। सो थोड़ा सा मुख्तलिफ जायका होता है जैसा कि भाई ने बताया। वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट है टेक्सचर इसका, देखिए आप, ऐसा लाजवाब सा आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा अदनान भाई, इसे खाने से पहले, कि नॉर्मल जो है ना कबाब जो होता है चिकन के, उससे क्या मुख्तलिफ चीज़ है? नॉर्मल जो कबाब होते हैं वो आपके बनते हैं सीने के, चेस्ट के, मुर्गे के जो चेस्ट होता है उसके बनते हैं, ठीक है, बोनलेस के। ये थाई के बोनलेस है। अच्छा, जो सबसे सॉफ्ट होता है। ओके, ये उसके बोनलेस है, काफ़ी सॉफ्ट है जी। और कुछ मसालों वसालों का भी? मसाला होता है, प्लस इसमें वेजिटेबल्स होती हैं। वेजिटेबल में लाल वाली शिमला मिर्च रहती है, हरी वाली रहती है, प्लस उसके बाद आपकी लाल वाली जो हरी वाली जो बड़ी वाली शिमला मिर्च होती है वो भी। इसके मसाले भी एकदम अलग हैं।
तो इसके बनने का तरीका और इसमें मिक्स होने वाली चीज़ें तो हमें पता चल गई हैं, बाकी जो है ज़ुबान बताएगी जायका। एक नॉर्मल सा ले लिया था, अब थोड़ा सा चटनी के साथ ले लेता हूँ फिर बताएंगे। मुझे क्या फील हो रहा है इसमें, नॉर्मल कबाब जो होते हैं चिकन के, और ये सबसे ख़ास बात है कि आप जब से चबा रहे हैं ना तो इसमें क्रंचीपन महसूस होता है वेजिटेबल्स का, ठीक है ना, वेजिटेबल्स का वो आपका फ्लेवर भी आपने अंदर घुलता है आपके उसमें। और दूसरा ना मसाले जैसे ही आप ज़बान पे रखते हैं ना तो पूरे आपके ना मुँह के अंदर फैल जाते हैं, तो हर एक जगह पर जो है ना आप मसाले का टेस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे, पूरे में ना मसाला बहुत 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 बिल्कुल बिल्कुल एकदम जूस, वाह ये आप देख रहे हैं, ये बहुत जूसी कबाब है। और बाकी में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार आपका टाइम देने के लिए। बाकी में ये ट्राई करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और चीज़ है आपको दिखाने के लिए, ये बार देखो, ये देखो क्या कबाब है। मिलते हैं, सबसे पहले हमने बिरयानी टेस्ट की, उसके बाद हमने निहारी टेस्ट की, बाद उसके हम मुबीन भाई की शॉप पे गए, और फिर उसके बाद जो है हमारा जाना हुआ तुर्किश कबाब खाने के लिए, जो कि हम लोग गए थे लखनऊ ग्रिल्स में, तुर्किश कबाब बहुत लाजवाब टेस्ट था उसका। अब इफ्तारी का टाइम भी हो चला है, लगभग 3:45 हो गए हैं, और धीरे धीरे से माहौल चेंज होता जा रहा है, तो आखिरी जो हमारी विज़िट होने वाली है वो होने वाली है कश्मीरी चाय। जस्ट मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं ना वो कश्मीरी चाय है, साबिर कश्मीरी, और ये जो अकबरी गेट में है ना और लखनऊ में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक ये साबरी चाय है। तो जस्ट इसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, लास्ट आइटम जो है ना हमारा यही रहेगा, उसके बाद वीडियो रैप अप करते हैं। तो चलिए साबिर भाई के पास चलते हैं पहले। ये मलाई के साथ में पूरा दोनों भर दो यार, जितना भी होता है तो ये एक हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ आइटम ले लिया मीठा, सारा खाने के बाद जो है ना इसमें थोड़ा सा अंदर की साइड में क्या ही बोलूँ मैं उसको, ये है केसर रबड़ी, और ये हमने ली है वाइट वाइट जो आप देख रहे हो ये मलाई है, तो इसके साथ में ये मीठा, सब कुछ खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए। ये दानेदार रबड़ी है, ये थोड़ी सी हल्की सख्त रबड़ी, और ये पूरी जो है ना ये मलाई है भाई, ये पूरी मोटी सी जमी हुई ठंडी सी मलाई, मीठी बढ़िया लाजवाब है, और ये मीठा आइटम तो आखिर में मज़ा कर रहा है। तो ये कितने की है अपनी? 15 की चाय है यार, ये गुलाबी कश्मीरी गुलाबी है। तो भाईजान 2 कप, साबिर भाई 4। तो भाई आ गया हमारे पास सहरी का आखिरी आइटम, ये चाय अभी टेस्ट नहीं की है, टेस्ट में कैसी भी हो लेकिन देखने में बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल पिंकिश चाय। इससे पहले कश्मीरी चाय जो है हमने ट्राई की थी शाहीन बाग में, वो थोड़ी सी नमकीन हल्की सी मीठी थी, इसको देखते हैं। तो आधी निकल, आधी हाँ,
पूरी मीठी है। बादाम का टेस्ट आ रहा है, ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है इसमें, और फुल मीठी चाय है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, क्योंकि ये लखनऊ की दावत फिर नहीं मिलने वाली।